स्वागत से एक आयोजन में सवाल पूछने वाली उपासना शर्मा को भाजपाइयों द्वारा विभिन्न तरह से आड़े हाथों लेने के बाद युवती ने पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया है। वहीं अब कांग्रेस व सामाजिक संगठन भी नारी शक्ति के मान के मुद्दे को लेकर भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। मंगलवार शाम उपासना शर्मा FIR की कॉपी लेकर गांधी प्रतिमा रीगल चौराहे पहुंची तो नारी शक्ति के अपमान के मुद्दे को लेकर सामाजिक संगठन उपासना शर्मा के साथ खड़े हो गए और चमकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बताना चाहेंगे कि उपासना ने आयोजन के दौरान प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से कुछ सवाल पूछे थे, जिसके बाद बीजेपी द्वारा लगातार उन्हें विभिन्न तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। नहीं हूँ आपके साथ, और लोग नहीं है। मैं अकेली इसलिए आई हूँ क्योंकि सबसे बड़ी बात, अभी आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है, तो और कुछ नहीं तो सब कुछ छोड़ो, पैंडेमिक एक्ट ही अगर लगा देंगे भीड़ इकट्ठा करने पे, तो मैं क्या करूँगी? और मैं वो कोई रिस्क नहीं चाहती हूँ, इस कारण से मैं यहाँ पे अकेली हूँ। और मैंने उसके लिए चीज़ की है कि मुझे जो जन समर्थन चाहिए वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, प्लस जो अपना क्या बोलते सिग्नेचर अभियान होता है, हस्ताक्षर अभियान होता है, मैं वो करने वाली हूँ। आखिर क्यों आना पड़ा गांधी जी की शरण में आपको? गांधी जी की शरण में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कोई बचाए ना बचाए, लेकिन मेरे राष्ट्रपिता ज़रूर बचाएंगे, राष्ट्रपिता ज़रूर मेरा मुझे इंसाफ मिलेगा उनके शरण में आकर। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जैसे जैसे वो मुद्दा बढ़ता गया, कहीं ना कहीं लोग मतलब उसको इग्नोर करना चालू किया। जैसे मैंने फर्स्ट जब कंप्लेन कराई कल अपने नियरेस्ट लथुड़े थाने में, तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझ पे ही दबाव बनाना चालू किया कि आप मुझे अपनी फैमिली की डिटेल्स दें और अपनी डिटेल्स मतलब मेरी पर्सनल डिटेल्स लें। पर्सनल डिटेल्स वो क्या करेंगे, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब मेरी फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो उनको उनसे क्या काम है? वो बोल रहे हैं कि हम इसके थ्रू कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के लिए आप वहाँ के चश्मदीदों से कार्रवाई करें, वहाँ पे जो मौजूद थे उनसे कार्रवाई करें, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया उनसे कार्रवाई करें, मेरे फैमिली का क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें? और फिर दूसरी बात, इसके बाद में इन लोगों ने एक चीज़ चालू करी कि मैं जब आज सुबह यहाँ DIG ऑफिस आई, DIG ऑफिस में पहली बात तो मुझे बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ा। मेरा नाम उन्होंने कहीं पहले लिख लिया था, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मतलब नाम लिख लेते हैं फिर बाद में कॉल करते हैं, तो इवन जब उन्होंने कॉल किया तो जब कॉल किया उस टाइम पर शायद सर बिजी थे, मैं मानती हूँ कि कुछ काम में बिजी होंगे, लेकिन फिर उसके बाद में जब वो जा रहे थे उस टाइम पे उन्होंने मुझसे सिर्फ कुछ चंद सेकंड्स के लिए बात की है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए बात की है सर, उन्होंने बात की, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक मुझे FIR का एफ भी नहीं सुनाई दिया है। अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा, हम सभी ने देखा है कि हमने आज़ादी की जंग जब आंदोलन करके जीती है, तो हम ये चीज़ भी मैं ये ट्राई करूंगी कि मैं आंदोलन करके ही जीतूं। आपका नाम बोलो। उपासना शर्मा।